हमारे पास जो पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है, अगर इसमें आप देखोगे ये क्यूबिक है तो इसके थ्री जीरोज होंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो होगा माइनस बी बाई ए। तो पॉलिनोमियल में जो बी दिया हुआ है वो -23 दिया हुआ है और ए यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब जो सम है वो 23 होना चाहिए प्लस में, ये ध्यान रखना। अब आपको देखना है कि पहले वाले के जीरोज क्या है, वो फैक्टर्स दिए गए। तो जीरोज होंगे पहले वाले के -1, +10 और +12, इसका सम 23 नहीं होगा। हाँ भाई, ये बात समझ में आ रही है सबको? -1 कहां से आया? क्योंकि x प्लस वन फैक्टर है, तो अगर x प्लस वन फैक्टर है तो उसका जीरो -1 होगा, +1 इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू -1, मालूम है ना सबको? अगर हम x प्लस वन को जीरो निकाल रहे हैं तो x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू -1, तो पहले वाले से 23 नहीं आ रहा। दूसरे वाले में भी एक प्लस के हैं और एक माइनस के, दो प्लस के एक माइनस के, तो भी नहीं आएगा 23। तीसरे वाले में तीनों माइनस के फैक्टर्स हैं तो जीरोस प्लस के होंगे तो सम आएगा 23, बस यही आंसर। बात समझ में आ गई? अगर सपोज करो हमारे पास कभी सम 23 आ भी जाता तो फिर हमारे पास दूसरा रूल होता है प्रोडक्ट, अल्फा बीटा गामा, वो होगा -d/, और यहाँ पे d जो है वो -120। तो फिर हम ये चेक कर लेते हैं अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि भाई प्रोडक्ट 120 है या नहीं। सर समझ में आ गया? नहीं है जी सर। देखो फैक्टर्स करना बहुत मुश्किल है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसका जो फैक्टर्स होगा a क्यूब b क्यूब भी नहीं है, इसका फैक्टर जो होगा वो हिट एंड ट्रायल मेथड से होगा, हिट एंड ट्रायल मेथड से, कि पहले हम 1 रख के चेक करें, फिर 2 रख के चेक करें, फिर प्लस माइनस 1 रख के चेक करें, तो उससे इजी है ये। अदीबा क्लियर है बच्चे? एक बार और। जी सर क्लियर है। फिर एक बार और समझा दीजिए। देखो हमारे पास क्या होता है बेटे, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो पॉलिनोमियल हो उसमें आपको रूल याद रखने, अगर ये रूल आप याद रखेंगे तो ज्यादातर जीरोस वाले फैक्टर वाले क्वेश्चंस हो जाएंगे। देखो अगर आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ax2 + bx + c, तो जीरोज होते हैं दो, आपको पता है अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, ये तो है क्वाड्रेटिक के लिए। अगर आपके पास होता है क्यूबिक ax3 bx2 cx + d, तो फिर होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है -b/a और अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा होता है c/a और अल्फा बीटा गामा होता है d/a। ये वाली चीज बताओ सब बच्चों को पता है या नहीं पता है? यस सर। यस सर। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है उस पे आ जाओ। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अब उसको देखो। हाँ भाई, आप क्या देखो, आपको दिए हुए फैक्टर्स, मैं कह रहा हूँ जीरोज लिखो, तो पहला जो ऑप्शन है बेटे, पहला जो ऑप्शन है उसमें जीरोज आएंगे -1,
प्लस 10 एंड प्लस 12, और जो बी ऑप्शन है उसमें जीरो आएंगे बेटे, प्लस 1 माइनस 10 एंड प्लस 12, और तीसरा जो ऑप्शन है उसमें जीरो आएंगे 1 एंड 10 एंड 12, और तीसरा चौथा जो ऑप्शन है उसमें आएंगे 1 एंड 10 एंड माइनस 12, ये ऑप्शन आए। बताओ ये चीज क्लियर है या नहीं? है ना। अब ये हो गए अल्फा बीटा गामा, ये हो गए अल्फा बीटा गामा, तीनों हमें दिए हुए। तो जो हमारा पॉलिनोमियल है उसमें माइनस बी बाई ए कितना है? हमारे पॉलिनोमियल में बी जो है बेटे वो माइनस 23 है और ए 1 है, ठीक है। हमारे पास क्या होता है, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये होता है। तो ए 1 है, बी माइनस 23 है, सी 142 है, डी माइनस 120। तो इसका मतलब हमारे पॉलिनोमियल्स के जीरोस का सम प्लस 23 होना चाहिए। तो जो ऑप्शंस दिए हुए हैं बेटे उनमें से किसका सम 23 हो रहा है ये बताओ। ये सर ऑप्शन सी। आप समझ में आ गया? सब बच्चों को समझ में आ गया? यस सर। चलो एक क्वेश्चन और देखो।